ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2023 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां मुकाबले नहीं महामुकाबले खेले जा रहे हैं और आईपीएल 2023 की पॉइंट टेबल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बात तो ये भी सच है कि आईपीएल के इतिहास में पहली बार इतनी कॉम्प्लिकेटेड आईपीएल की पॉइंट टेबल देखी गई है, जहां पर 10 की 10 टीम इस पॉइंट टेबल की रेस में बनी हुई है और ऑफिशियली तरीके से तो एक भी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है। लेकिन हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस का ये मुकाबला महामुकाबला पॉइंट टेबल की दृष्टि से भी और इन दोनों बड़ी टीमों के नाम से भी, खैर इन दोनों के लिए तो यहां पर रेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इस नतीजे के बाद में पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है। इस नतीजे के बाद में प्लेऑफ की रेस में बड़ा बवाल हुआ है। जी हां, मुंबई इंडियंस की जीत ने पॉइंट टेबल में आरसीबी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन मुंबई की जीत से बाकी टीमों का काम तमाम हो गया है। चलिए आपको बताते हैं मुंबई इंडियंस की रॉयल चैलेंज बेंगलोर के खिलाफ इस बड़ी जीत के बाद क्या पॉइंट टेबल में बदलाव हुए हैं, क्या समीकरण बदले हैं, कौन सी टीमें आप प्लेऑफ में जाती हुई दिख रही है, किन के लिए रास्ता बंद हो चुका है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो जी हां, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। इस बार आईपीएल 2023 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट सेक्शन में आप राय अपनी जरूर बताइएगा। तो जी हां, आईपीएल 2023 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वहां पर मुकाबले नहीं महामुकाबले खेले जा रहे हैं और आईपीएल की प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर आप आईपीएल 2023 के पॉइंट टेबल की बात करते हैं, तो हाल ही में खेला गया मुकाबला मुंबई बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, वो वाकई में हर किसी को हैरान कर गया, क्योंकि आरसीबी की उस हार से और मुंबई इंडियंस की उस जीत से पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं पर राजस्थान रॉयल, केकेआर, सीएसके और यहां तक कि गुजरात टाइटंस की भी चिंता मुंबई इंडियंस ने बढ़ा दी है। हम आपको बताएंगे मुंबई की जीत के बाद कैसे प्लेऑफ के पूरे समीकरण बदल चुके हैं, बाकी किन टीमों को झटका लगा है, आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा, सबको जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। सबसे पहले उन टीमों के बारे में जानते हैं जो बाहर होने की कगार पर है। इस लिस्ट में 10वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। जी हां, दिल्ली कैपिटल ने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 8 पॉइंट के साथ में ये टीम जी हां 10वें पायदान पर है। अब आप सोचते हैं दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में जगह कैसे बना सकती है, तो दिल्ली कैपिटल को अब भी 4 मुकाबले खेलने हैं, जिनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से भी है, एक और मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स है। तो टोटल जो 4 मुकाबले अभी ने खेलने हैं, उसमें से चारों के चारों जीत कर ही आप प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे दिल्ली के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मात्र औपचारिकता है कि दिल्ली बाहर हो चुकी है, मात्र मैथमेटिकली ये चीज दिख रही है, लेकिन प्रैक्टिकल होगी नहीं। और ऐसा ही हाल तो सनराइजर हैदराबाद का भी है। सनराइजर हैदराबाद ने 10 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं, 8 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 9th पोजीशन पर है। सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा, बचे हैं इनके भी 4 मुकाबले और चारों के चारों मुकाबले जीतकर ही ये टीम 16 पॉइंट हासिल करके प्लेऑफ में जगह बना सकती है। तो अगर आप एसआरएच और डीसी की बात करते हैं, तो ये प्लेऑफ की रेस से बाहर तो नहीं हुए हैं, लेकिन इनके लिए रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, मात्र औपचारिकता है कि ये बाहर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इस पॉइंट टेबल की 8वें पायदान की टीम यानी पंजाब किंग्स के बारे में। पंजाब किंग्स ने भी बहुत ही अच्छा खेल दिखाया है, लेकिन जब से इन्हें पिछली हार मिली, वाकई में हर किसी को हैरान कर गई। 11 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं, 10 पॉइंट के साथ में ये टीम 8वें पायदान पर है। पंजाब के लिए भी प्लेऑफ में जगह बनाना थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब किंग्स को भी अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं और तीनों के तीनों मुकाबले जीतकर ही पंजाब प्लेऑफ में जगह बना सकती है। इसलिए पंजाब का रास्ता डिफिकल्ट है, तीनों के तीनों जीतने इतने आसान नहीं होंगे। और अगर आप बात करते हैं पॉइंट टेबल के 7वें पायदान की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में, तो इन्हें बड़ा झटका लगा है। ये 3रे पायदान पर जा सकती थी अगर एमआई के खिलाफ जीत जाती, लेकिन अब ये कहीं की नहीं रही, क्योंकि पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर है। 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 10 पॉइंट इनके पास है, और अब इस टीम को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अब रास्ता डिफिकल्ट हो रहा है। इनके लिए भी पंजाब किंग्स के समान ही समीकरण बन रहे हैं, वो ऐसे कि इस टीम को भी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को भी बचे हैं 3 मुकाबले और खेलने, और तीनों के तीनों जीतकर ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है। इसीलिए आरसीबी की रास्ता आप डिफिकल्ट मान सकते हैं। ऐसा ही हाल कोलकाता नाइट राइडर का है, जो इस पॉइंट टेबल में 6th पोजीशन पर है। केकेआर ने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले इन्होंने भी हारे हैं और 10 पॉइंट इनके पास में भी है। कोलकाता नाइट राइडर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए
अब भले ही इन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछला मुकाबला जीता हो, लेकिन जो तीन मुकाबले बाकी हैं वो तीनों के तीनों जीत कर ही प्लेऑफ में जगह जा सकती है, वरना ये टीम भी बाहर होती हुई नजर आएगी। और ऐसा ही हाल राजस्थान रॉयल का भी है। राजस्थान रॉयल, जी हाँ, इन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं और 6 मुकाबले भी हारे हैं। एक वक्त में ये पॉइंट टेबल की टॉपर टीम थी, लग रहा था आसानी से क्वालिफाई हो जाएगी, लेकिन लगातार पिछले 5 मुकाबलों में से 4 की हार से इनकी पॉइंट टेबल दुर्लभ हो गई है। इनके लिए अब डिफिकल्टी ये है कि इनके पास 10 पॉइंट है और इन्हें अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं। तीनों के तीनों मुकाबले जीतकर ये ज्यादा से ज्यादा 16 पॉइंट हासिल कर सकती है और वहां से ये क्वालिफाई कर सकती है। इसीलिए इनके भी बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीतने जरूरी है। तो आप यही कहेंगे पांचवें पायदान से लेकर आठवें पायदान यानी राजस्थान, केकेआर, आरसीबी और पीबीकेएस के लिए बचे हैं 3-3 मुकाबले और तीनों के तीनों जीतने जरूरी है। अगर ये टीम ऐसा नहीं कर पाई तो प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी। इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा ट्रैफिक जाम हो रखा है। लेकिन अब बात करते हैं टॉप 4 टीमों की। इनकी भी मुश्किल है, मुंबई के आने से कैसे बढ़ गई है, जीटी भी कैसे परेशान है, सीएसके के कैसे बेहाल है, आपको बताते हैं। चौथे पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 11 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 आ रहे हैं, 1 ड्रॉ रहा, इसलिए इनके पास 11 पॉइंट है। अब बात करें अगर इन टीम की, तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को अब भी 3 मुकाबले खेलने हैं और तीनों के तीनों मुकाबले जीतकर ये टीम बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन मान के चलिए 3 में से 2 भी जीतती है तो ये 15 पॉइंट हासिल करेगी और 15 पॉइंट के साथ में ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी। अगर चौथी टीम 14 पॉइंट तक ही रह जाए तो फिर ये 15 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर जाएगी। इसलिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स के हालात बाकी निजी टीमों से थोड़े आसान नजर आते हैं, लेकिन इन्हें भी बचे हुए तीनों के तीनों जीतने जरूरी है अगर आप किसी बिना दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए आगे जाना चाहते हैं। ऐसा यार मुंबई इंडियंस का है। मुंबई ने भले ही बड़ी छलांग लगाई है और पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पर आई है, लेकिन 11 में से 6 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 5 आ रहे हैं, 12 पॉइंट इनके पास में है। इन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा, बचे हैं 3 मुकाबले और उसमें से 2 मुकाबले अब भी जीतने होंगे। अगर 2 मुकाबलों के साथ ये टीम जीत जाती है, 3 में से 2 जीत जाती है, तो इनका प्लेऑफ तय हो जाएगा, फिर इन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। और चेन्नई सुपर किंग्स के हालात भी मुंबई की तरह ही है। चेन्नई सुपर किंग्स का एक मुकाबला ड्रॉ हुआ था और उसकी वजह से ये पॉइंट टेबल में ऊपर भी है। 11 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 13 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर हैं। इस टीम को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बचे हैं 3 मुकाबले, 2 जीतने जरूरी हैं। अगर 2 जीत गए तो इनका भी प्लेऑफ तय हो जाएगा। चलिए पॉइंट टेबल की पहली टीम जानते हैं। इनके लिए मुश्किलें नहीं बड़ी है। 11 मुकाबले खेले हैं, 8 जीते हैं, 16 पॉइंट इन्होंने हासिल कर लिए हैं। ये पहले पायदान की रेस की टीम है, मतलब पहले पायदान पर आपको नजर आ सकती है इस पूरे पॉइंट टेबल के अंदर, और फिलहाल है और एंड में भी नजर आएंगी, क्योंकि पहले पायदान और दूसरे पायदान की टीमों के लिए एक फायदा होता है क्वालिफायर के अंदर, वो आप जानते हैं। तो गुजरात का प्लेऑफ तय हो चुका है, मात्र औपचारिकता बाकी है।